Now, this is the part four continuation of part three of consumer awareness. Part three में हमने अलग अलग consumer protection forums के बारे में देखा, अलग अलग three tier structure या judicial system के बारे में देखा. Now part four जो है जहां पर हम बहुत सारे logos की बात करेंगे, अलग अलग institution ने अलग अलग logo लेकर आए हैं, that is very important for examination point of view. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस. हमें ये सारे सिंबल्स जो है वो पूछे जाएंगे. तो देखते हैं सिस्टम ऑफ सर्टिफाइंग वेट्स एंड मेजर्स एंड प्योरिटी ऑफ गुड्स. अलग अलग सिस्टम्स लेकर आए जहां पर एक कंज्यूमर को पता चलेगा कि ये गुड जो है वो कितना प्योर है, कितने वेट का है, वो सारी चीजें ISI हो गया, PSI हो गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहला देखते हैं स्टेप्स टेकन अंडर द सिस्टम ऑफ सर्टिफाइंग वेट्स एंड मेजर. क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए. तो सबसे पहला फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर जो है उन्होंने लीगल इंस्टीट्यूशंस बनाए, और मेन टास्क है इन इंस्टीट्यूशन का कि वो क्वालिटी क्वांटिटी और जो प्योरिटी है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है वो जो है वो मेजर करते हैं. तो सबसे पहला है ISI एंड BISMARCK. हमें इनके फुल फॉर्म भी याद रखने हैं, ये हमें स्पेसिफिकली सिंबल्स जो है वो एग्जाम में पूछने वाले हैं कंपल्सरीली, तो हमें सिंबल्स जो है वो भी अच्छे से याद रखने हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ISI 1947 में. और वो क्यों लेकर आए, ताकि के वो रेगुलेट कर सके क्वालिटी ऑफ, यहाँ पर किसकी बात की गई है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं. इन 1986 ये इंस्टीट्यूशन जो है, 1986 से पहले इस इंस्टीट्यूशन का नाम था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और आफ्टर 1986 इसका नाम जो है वो बदल दिया गया और उसे जाना जाता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से, ISI से. और प्रोड्यूसर जिनके गुड्स जो है, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो दे रखे हैं उन्होंने, वो अगर उनको रिक्वायरमेंट को मीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट पर ISI और BISMARCK जो है वो लगाएंगे. और पुटिंग सच मार्क, अगर कंज्यूमर जो है वो देखता है कि इस प्रोडक्ट पर ये मार्क लगा हुआ है, इससे कंज्यूमर अश्योर हो जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है. बिस जो है वो कहाँ कहाँ पर लगता है, देखिए, बिस अलाउज टेक्सटाइल प्रोडक्ट, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, प्रोडक्ट ऑफ रबर, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है यहाँ पर वो अलाउ, बिस जो है वो अलाउ करता है कि इन सब प्रोडक्ट्स पर ISI मार्क लगेगा. और अगर कंज्यूमर को इस पर डाउट होता है कि इस पर मार्क लगा हुआ है लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो रॉन्ग ट्रेडर जो हैज बिन यूज रॉन्गली बाय द ट्रेडर, देन कंज्यूमर जो है वो कंप्लेन कर सकता है रीजनल ऑफिस ऑफ द बिस. तो ये था ISI से रिलेटेड. इसके लोगो भी हमें अच्छे से याद रखना है. अब हम समझते हैं बिस ऑन गोल्ड एंड सिल्वर. तो सबसे पहला देखो, BISMARCK जो है वो गोल्ड और सिल्वर में भी यूज होता है, और मार्क मेड ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर इज कॉल्ड बिस हॉलमार्क. अच्छे से याद रखना है हॉलमार्क, जो गोल्ड एंड सिल्वर पे जो BISMARCK लगता है उसे हम बोलते हैं बिस हॉलमार्क. और ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो ये भी हमें एग्जाम में पूछते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द बिस हॉलमार्क, तो सेंट्रल गवर्नमेंट. और बिस हॉलमार्क जो है वो है, यहाँ पर इस हॉलमार्क में 5 डिफरेंट मार्क से ये बनता है, जिससे कि कंज्यूमर उसको देखकर उसके बारे में पता लगा सकता है. तो ये देखिए, आपको ये भी अच्छे से याद रखना है. सबसे पहला है लोगो, तो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसका लोगो दे रखा है यहाँ पर, तो द BISMARCK. यहाँ पर हम प्योरिटी, ये 916 जो है वो क्या बताता है, प्योरिटी नंबर. जैसे कि एग्जाम्पल 916 अगर किसी गोल्ड या सिल्वर ऑर्नामेंट में है तो वो बताता है कि हमारा गोल्ड जो है वो 22 कैरेट का है. नेक्स्ट एंड अल्फाबेट, यहाँ पर अल्फाबेट आपको दे रखा है, तो ये जो अल्फाबेट जो है वो क्या डिपिक्ट करता है, द ईयर ऑफ मार्केटिंग. ये जो है वो कब मार्केटिंग हुआ, तो ईयर ऑफ मार्किंग जो है वो यहाँ पर बताता है. फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट जे जो है, इसका मतलब ये है कि गोल्ड जो है वो कब बना है, 2008 में. तो ये भी हमें अच्छे से याद रखना है. ये देखो, आपको ये भी दे रखा है ज्वेलरी इंडिकेशन मार्क है यहाँ पर, तो ये भी हमें एकदम अच्छे से याद रखना है. नेक्स्ट इज एग मार्क. एग मार्क का मतलब हो गया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और एग मार्क. तो देखिए, फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर मीन्स गार्डनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर एग मार्क का यूज किया जाता है. और एग मार्क जो है वो इंप्लीमेंट किया गया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग 1937 में. और ये जो स्कीम जो है वो कौन चलाता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए. दिस इंस्टीट्यूट जो है वो ये जो इंस्टीट्यूशन जो है वो परमिशन देती है ट्रेडर्स को कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर, इन प्रोडक्ट्स पर एग मार्क का लोगो जो है वो यूज करे. इस लोगो को भी हमें अच्छे से याद रखना है.
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट दूसरे जो है FPO, इन सब के फुल फॉर्म भी हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे कंपल्सरीली, तो एकदम अच्छे से याद रखने, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर मार्क, हमें ये फुल फॉर्म भी याद रखने। देखो फ्रूट है, फ्रूट है तो यहाँ पर देखो ये मार्क जो है वो जैम फ्रूट जो स्क्वैशेस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो कि टिन में पैक होते हैं, टिन के डब्बे में पैक होते हैं, वो वहां पर यूज किया जाता है, तो इसका लोगो भी अच्छे से याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। वुल मार्क की बात करें तो उसका लोगो ये है, एंड बिकॉज इट इज वुल मार्क तो वुल प्रोडक्ट्स और गारमेंट में यूज किया जाता है, इसका फुल फॉर्म भी अच्छे से याद रखना है, मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर, और MPO लोगो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मीट तो ये मीट और मटन के प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। HACCP that is Hazard Analysis and Critical Control Point जो है ये लोगो जो है वो प्रोसेस फूड जो कि जिसके अंदर प्रोसेसिंग की गई है, विनेगर या पिकल जो है उसके अंदर जो भी अलग अलग प्रोसेसिंग की गई है ऐसे प्रोडक्ट के लिए HACCP जो है यूज किया जाता है। और इको मार्क, इको मीन्स इको फ्रेंडली मार्क, जहां पर एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, तो इको मार्क जो है वो जनरली सोप डिटर्जेंट पेपर और इन सारे प्रोडक्ट्स पर यूज किया जाता है, इसका लोगो भी अच्छे से याद रखना है। तो ये सारे लोगोस कौन से इंस्टीट्यूशन ने किया है, कैसे एक्सप्लेन करना है, हमें ये सारे अच्छे से याद रखने हैं। तो अभी हमने इंडियन लेवल की बात करी, अब हम स्टैंडर्डाइजेशन देखेंगे एट द इंटरनेशनल लेवल। तो सबसे पहला देखो ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पर सेटअप हुई और क्या क्या उनकी गाइडलाइंस है। तो सबसे पहला है दो ऑर्गेनाइजेशन के हमें नाम फुल फॉर्म सारे अच्छे से याद रखने, हमें एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा जाएगा और हमें बताना है कि ये लोगो जो है वो किसका है, ये सारे इसमें भी ऐसा ही होगा, तो हमें सारे लोगोस भी अच्छे से याद रखने। तो सबसे पहला है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ जो है वो एस्टैब्लिश हुआ 1947 में, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके फंक्शंस हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो है ISO जो है वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, सर्टिफाई करता है प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सीरीज ऑफ ISO 9000, ये जो एक मार्क जो है वो दिया जाता है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, और ये कौन देता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ISO 9000 जो है वो एक सर्टिफिकेशन मार्क है ऑफ ऑफिसर्स एंड इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये अच्छे से याद रखना, हमें एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में इस तरीके से भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है CAC, CAC का फुल फॉर्म भी अच्छे से याद रखना है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, तो ये जो है एस्टैब्लिश हुआ है 1963 में, और इसको दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है, FAO देखो आपको यहाँ पर दे रखा है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है जो कि कैपिटल सिटी ऑफ इटली है, और ये जो है वो किसके लिए है, फूड या फूड प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि यहाँ पर देखो आपको मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और फिश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे ये मार्क जो है वो लगता है। और इसके फंक्शन की हम बात करें तो इसके फंक्शन है टू डेवलप फूड स्टैंडर्ड, वो फूड स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, एंड कोड एंड प्रैक्टिसेस जो है वो देती है। ये देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है मेन फंक्शन है, ये सारा देखो आपको शॉर्ट में ही याद रखना है, फॉर फ्रूट प्रोडक्ट्स के लिए ये सारे इसके फंक्शन है। अब यहाँ पर जो भी काम है कॉन्टैक्टिंग का, कम्युनिकेशन का, ISO का, वो जो है वो अगर इंडिया की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिकेशन जो है वो BIS जो है वो करती है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्टैक्ट करती है CAC को। तो आई होप आपको इनके सारे लोगोज जो है वो भी एकदम अच्छे से याद करने हैं, कब एस्टैब्लिश हुआ, इनके फंक्शंस हमें एकदम अच्छे से याद रखने हैं, शॉर्ट शॉर्ट इनमें से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने ही वाले हैं। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू, अब हमने सब समझ लिया, चेटिंग हो गई, हमें कोर्ट में जाना है, लेकिन कंप्लेन जो है वो कौन फाइल कर सकता है और कैसे फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर हमें देखे जिसके साथ चीटिंग हुई है कंज्यूमर जो है वो खुद कर सकता है, या उसके कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस कंज्यूमर को अगर नुकसान हुआ है और वो फाइल जो है करना चाहता है तो उसके फैमिली मेंबर्स जो है वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो है वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो हमने पढ़ा था
उसके थ्रू भी हम कंप्लेन कर सकते हैं। और सपोज मान लो कि बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिनका सेम इशू है, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट कर सकते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है कंज्यूमर का ऑन द बिहाफ ऑफ सेवरल कंज्यूमर वो जो है वो मैटर जो है वो कोर्ट में ले जा सकता है। एक पर्टिकुलर जिनकी सेम कंप्लेंट है, म्यूचुअल कंप्लेंट है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कंज्यूमर्स को की तरफ से कंप्लेन कर सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। तो ये था हु कैन फाइल कंज्यूमर्स कंप्लेन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमें किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो कंप्लेन जो है वो कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हमने पढ़ा कि कौन कौन जो है वो कंप्लेन कर सकता है। अब हम समझते हैं कौन किस तरीके से कंप्लेन जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट में ही समझना है, एक विक्टिम जो है उसको एप्लीकेशन जो है वो प्लेन पेपर पर लिख सकता है, या सिंपल और क्लियर लैंग्वेज लिखना है जो उसके साथ एक्चुअली वो आराम से सिंपल लैंग्वेज में अपने रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकता है, या तो वो टाइप एप्लीकेशन हो सकती है या खुद वो हाथों से हैंड रिटन हो सकती है या ईमेल के थ्रू भी एप्लीकेशन कर सकता है। और जो एप्लीकेशन है उसमें उसका नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, वो क्यों कंप्लेन कर रहा है, उसके साथ क्या चिटिंग हुई है पर्पस होना चाहिए, और उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्या प्रोडक्ट था वो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और उसको एप्लीकेशन के साथ साथ एक कॉपी ऑफ प्रूफ जो है जो कि बिल्स जो है उसने इस डेट पर खरीदा, इस प्राइस का खरीदा, क्या मैन्युफैक्चरर है या सेलर जो है उसका एड्रेस जो है वो सब होने चाहिए। तो कॉपी ऑफ पेमेंट के उसने पेमेंट जो है वो कर दिया है, अलग अलग रिसीट्स होने चाहिए, लेकिन अच्छे से याद रखना है सारी जेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल कॉपीज उसे नहीं भेजनी है। और ये देखिए आपको यहाँ पर सारी चीजें जो है वो मैंने आपको शॉर्ट में समझाई है, तो हमें इसी से याद रखना है, यहाँ पर अच्छे से याद रखना है, इफ द विक्टिम गोज टू द कोर्ट थ्रू अ लॉयर, अगर वो लॉयर के थ्रू कोर्ट में जा रहा है तो उसे एक एफिडेविट प्रिपेयर करनी है। एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस पर लॉयर का साइन होता है, उसका लोगो होता है, सिग्नेचर होता है कि ये जो भी डिटेल्स जो है वो पूरी तरीके से ट्रू है, उसे बोला जाता है एफिडेविट। तो उसे एक एफिडेविट भी ले जानी है, तो ये देखिए आपको, और ये अच्छे से याद रखना है कि जो भी एप्लीकेशन जो है वो हमें कंपल्सरीली विद इन 2 ईयर्स ऑफ प्रॉब्लम डिटेक्टेड, जब भी कंज्यूमर के साथ प्रॉब्लम हुआ है, इश्यू हुआ है या उसके साथ चिटिंग हुई है, तो मैक्सिमम वो विद इन 2 ईयर्स जो है उसे कंप्लेन करनी है। 2 ईयर्स के बाद वो कंज्यूमर्स जो है वो कंप्लेन नहीं कर सकता है। चेक पेमेंट, अगर उसने चेक के थ्रू पेमेंट किया तो उसके एविडेंसेस होने चाहिए, कैश के थ्रू किया तो बिल्स एविडेंसेस होना चाहिए, और वो जो है वो कोई भी कंज्यूमर फोरम के में केस कर सकता है, जो कि हमने 3 ईयर्स समझा था, और उसे एप्लीकेबल फीस जो है वो देनी पड़ेगी, और बिल्स, और उसी के साथ साथ उसे ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि सेलर का जो एडवर्टाइजमेंट कॉपी जो है उसने कहाँ पर एडवर्टाइज किया है, कौन से पैम्पलेट्स है, कौन से मैगजीन्स में उसने किया है, ये सारी कॉपीज जो है वो करनी है। तो हमें इसको इस शॉर्ट में ही ऐसे याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं, देखो आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जैसे कि ये जो भी एक्यूजेशन, जो भी आरोप लगाया गया वो अटैच करने पड़ेंगे कंप्लेन के साथ। ये देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है एडवर्टाइजमेंट, पैम्पलेट, प्रोस्पेक्टस, जो भी है वो सारी चीजें हमें इस एप्लीकेशन के साथ देनी पड़ेगी, और कंज्यूमर, ये चीज हमने पढ़ी, विद इन 2 ईयर्स ऑफ द प्रॉब्लम डिटेक्टेड, विद इन 2 ईयर्स जब से हमें पता चला कि हमारे साथ चिटिंग हुई है, हमें विद इन 2 ईयर्स हमें कंप्लेन जो है वो करनी पड़ेगी, और कंज्यूमर जो है वो अगर उसे लगता है तो वो कॉल भी कर सकता है, जो कि टोल नंबर आपको दे रखे हैं, और नेशनल लेवल हेल्पलाइन, ये नेशनल लेवल का नंबर जो है वहां पर भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम या कंप्लेन जो है वो बता सकता है, एज वेल एज उसको अगर स्पेशल इंफॉर्मेशन चाहिए लॉ एंड गाइडेंस के लिए तो वो इन नंबर पर कॉल कर सकता है। तो ये था हमारा प्रोसेस पूरा एप्लीकेशन का, किस तरीके से हम एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं, हमें इसको ऐसे ही याद रखना है पॉइंट टू पॉइंट। तो हमारे सारे टॉपिक्स जो थे कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड वो पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो गया। हमें ये चैप्टर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से पूरा चैप्टर जो है स्पेसिफिकली कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको सारे टॉपिक जो है वो नोट्स के थ्रू भी अच्छे से क्लियर हो गए हैं।